गौर से सुने, सुनते समय भी उनको लगना चाहिए आप अटेंटिव है, आपको अच्छा लग रहा है। बहुत चाव से सुन रहे हैं। एक आप मुझे, अरे मम्मा ये समझ नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं। आपको मम्मा को समझाना नहीं पड़ गया, तो आप बेटा आप समझते रहेंगे। इसलिए छोटी चीजें व्यवहार की होती है। आप फिर कभी जब मम्मा पापा अच्छे मूड में हो तो आपने अपना दृष्टिकोण, कि मैंने बहुत सोचा, मुझे कहा था ना मंडे को, और बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कोशिश में की, और मैंने कम पड़ गया, तो बताइए कैसे करूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके माँ बाप का बोलती बंद करना सिखाता हूं, लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है। बाद में माँ बाप से आप देखिए एक मित्र भाषा का संवाद शुरू होगा, वे आपके हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे। मेरे अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए। तो सारी सेना का छोड़ दे दो, जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते, उन्होंने नहीं कर रहा। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी मां बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत हो। आपने देखा होगा घर में छोटा बच्चा होता है, वो उठ करके चलना सीखता है, तो मां क्या करती है, वो उठता है, एक तो कदम कभी गिर जाता है तो डांटती है, क्या काली बजाती है, काली बजाती है, बच्चे को लगता है गिरना पड़ा नहीं है। अब किसी मां को किसी प्रधानमंत्री लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा नहीं ले तो पानी ले जाओ, किसी के नाम में पढ़ा था क्या? देखिए उसको मालूम है कि बच्चे का उसका मदद पर पढ़ा रहा है, फिर क्या करेंगे, तीन चार कदम चलना सीधे ना, तो मां उसको कोई प्रिय चीज उसको लेकर के दूर खड़ी करेगी और कहेंगे आप आओ हटती जाएगी। ऐसा करती है ना, अब बच्चे को भी कहता है मैं जरा दौड़ करके ले आऊं, उसका हौसला बुलंद कर दिए होगा। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद, बचपन में सब किया होने के बाद भी एक स्थिति आने के बाद मां का मन हो जाता है, बाप का मन हो जाता है, पर अब तो वो तैयार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती वहीं से शुरू होती है। मां बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रूप में देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अगर गिर भी जाता है तो हौसला बुलंद करना चाहिए, उसको नीचे गिरता हुआ देख करके उसको डांटते रहने से। और बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आती, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मना करता है। बस पर तो उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मना करता है,
एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ख्याल में जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी पर ठहराव है, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सत्य, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसका एक्टिव करने के लिए लगे रहना। बताओ जिंदगी क्या मतलब है। और दूसरी बात है परीक्षा। कभी कभी तो हम बालकों की मनस्थिति ऐसी होती है कि एक अवस्था में पहुंच जाते हैं कि मां मम्मी पापा कुछ भी कहे तो मेरा सही है, मेरा बिगाड़ है, मैं जो कर रहा हूं सही है। गौर से सुने, सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप एटेंटिव हैं, आपको अच्छा लग रहा है।